फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सलवार। तो इसका मैं पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका लंबाई होगा 35 इंची और मोहरी होगा इसका 12 इंची और हिप होगा इसका 34 इंची। तो इस पर इसके आधार पर हम कैसे कटिंग करेंगे वो देखिए। पहले सलवार में हम नॉर्मल निकालेंगे, यहाँ से ऐसे करके 10 इंची पर यहाँ से ऐसे सीधा निशान लगाएंगे। ये बेल्ट कटिंग करेंगे, 10 इंची का बेल्ट हम कटिंग करेंगे तो 2 इंची ऊपर जाएगा फोल्ड करने के लिए और आधा इंची नीचे जब जुड़ेगा तो ये 2.5 इंची बेल्ट में जाएगा और बाकी का जो होगा नीचे से जुड़ेगा, नीचे से फोल्ड होगा 2 इंची। तो इसको हमको इसी में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो 35 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39। तो 39 को हम लंबाई लेके चलेंगे। 39 में से ये देखिए 10 इंची का निकल गया इसमें से पट्टी, जिसे हम कमर पट्टी भी बोल सकते हैं। तो उसको 10 इंची का निकाल दिए तो 39 में से 10 निकल गया कहीं। तो ये देखिए, ये कपड़ा को हमने फोर फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऐसे करके नापेंगे, 10 इंची का बेल्ट निकल गया तो इसमें से हम लेंगे यहाँ से ऐसे करके 29 इंची, बाकी का पार्ट बच गया 29 इंची। 29 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से ऐसे करके अब 29 का यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से हम इसको फीता को यहाँ से ऐसे करके हाफ कर देंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम नीचे देखेंगे, मोहरी इसका 12 है तो यहाँ से हम 6 इंची पर निशान लगाएंगे, आधा इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से देखिए 6.5 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे। फीता को हम यहाँ रखेंगे और एक यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इसको हमको यहाँ से ऐसे करके निशान लगाना है। ये देखिए, इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा देना है, इसको हमको कटिंग कर देना है। इसको कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये पार्ट को यहाँ से ऐसे रखना है 8 इंची। ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 8 इंची, एक यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हो गया, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमारा सलवार का पूरा नापी लग चुका है, अब इसी पर हम कटिंग करेंगे। कुछ नहीं करना रहता है, बस यही देखिए कितना झटपट हो गया। ये देखिए, इसको हमने बराबर करने के लिए नापा था तो इसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। इधर भी हमने बराबर करने के लिए यहाँ पर निशान लगाया था तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। और ये देखिए, ये निशान हमने यहाँ पर लगाया था तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये चारों पल्ला यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से इसको हम कटिंग कर देंगे। ये सब कपड़ा का प्लेट बैठेगा, चुन बैठेगा, बहुत ही खूबसूरत के साथ आपका सलवार बनके रेडी होगा। ये देखिए, हो गया। अब यहाँ से हम ये पट्टी जो निकाले हैं इसको हम यहाँ से ऐसे करके लेंगे, बाकी का ये सलवार बन गया। ये फोर फोल्ड में कपड़ा है, ये भी फोर फोल्ड है, ये है 2 फोल्ड। तो इसको हमको पूरा कपड़ा इसी में प्लेट देके एडजस्ट करना है, चुन देना है, बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्या नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।